बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा किन्नौर अब तक के काव्य पाठ कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी कुछ कविताओं को लेकर मैं कार्यक्रम में उपस्थित हूं। इस कार्यक्रम में हमने आगरा से निभा चौधरी को और गया से वाणी जी को भी हमने आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक उनकी उपस्थिति कार्यक्रम में नहीं बन पाई है। खैर, मौसम खराब है और देश में हर जगह हर हिस्से में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कि इससे सभी लोग जो हैं कार्यक्रम में चाह करके भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। और आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान शंकर की का ध्यान करना चाहता हूं, जिनकी अभ्यर्थना में सारे देश में सारे सावन के महीने में पूजा अर्चना सारे मंदिरों में और देवालयों में संपन्न होती रही। बहुत बड़ी संख्या में गंगा नदी के किनारे भी लोग जाते रहे और वहां से कांवर में जल भरकर लोग देश के जो प्रमुख शिव मंदिर हैं उन मंदिरों में जलार्पण करने के लिए, भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भी लोग वहां पहुंचते रहे। तो इस तरह से सावन का जो महीना है यह हर एक साल की तरह से इस साल भी काफी उत्साह उमंग से भरा रहा और हर जगह बोलबम और जय शंकर जय गणेश, इनके जो उच्चार हैं पवित्र उच्चार वो भक्त गणों के कंठ से सर्वत्र सुनाई देते रहे और भगवान शंकर की जो उनकी जो कृपा है उनकी जो महिमा है सावन का महीना उसको विशेष रूप से चरितार्थ करता है। और आज मैं उनकी स्मृति में एक कविता आपको चाहूंगा सुनाना। हे शंकर तुम काल के देवता हो, हे शंकर तुम धरती पर संहार करते हो और सृजन का पंथ प्रशस्त हो जाता है। यहां तुम्हारे भक्तगण तुम्हें गंगा नदी का पवित्र जल अर्पित करते हैं और तुम प्रसन्न हो जाते हो। हे शंकर तुम नदियों में, हे शंकर तुम
नदियों में पावन जल प्रवाहित करते रहो, तुम्हारी जटाओं में हिमालय सिमटा हुआ है। हे शंकर, तुम्हारा वास हिमालय की हिमाद्रित शुभ्र चोटियां हैं। हे शंकर, तुम सबके हृदय में वास करो। हे शंकर, तुम कैलाशपति हो। हे शंकर, तुम अंतर्यामी हो। हे शंकर, तुम सबका कल्याण करो। भगवान शंकर सबका कल्याण करें, उनको शास्त्रों में नीलकंठ भी कहा गया है। संसार के का जो सबसे बड़ा जो ताप है वो मृत्यु का ताप है। संसार में जो सबसे बड़ा जो संकट है वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ तो वो संकट है मृत्यु का संकट, और भगवान शंकर मृत्यु का जो संकट है, जो विष है, जो जहर है, जो हालाहल है, उसका उन्होंने पान किया था और हमें निश्चिंत कर दिया था। अमोघ जीवन उन्होंने प्रदान किया था। समुद्र मंथन की कथा में इसका विशद वर्णन पढ़ने को मिलता है। भारत एक बहुत प्राचीन संस्कृति का देश है और यहाँ लोक, परलोक, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, जीवन, ये सब सारे प्रसंग जो हैं शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत रूप में, प्रामाणिक रूप में चित्रित हुए हैं, और जीवन की गहन अभिव्यंजना यहाँ के शास्त्रों में दिखाई देती है। आशा है भगवान शंकर की वंदना में मेरी रचित कविता आप सबको पसंद आई होगी, और अब मैं आपको अपनी अगली कविता जो सुना रहा हूं वो कविता माता पार्वती के बारे में है। पार्वती, इस कविता का शीर्षक है पार्वती। पार्वती, तुम जगदम्बा हो, सारे संसार की माता हो। तुमने शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। पार्वती, तुम पवित्र हो, तुम सती हो, तुम धरती के कण कण में वास करती हो। पार्वती, तुम पवित्र जल हो, धूप हो, अग्नि हो। पार्वती, तुम हमारी आत्मा हो, धरती की आत्मा हो, तमाम देवियों का उद्भव, तमाम देवियों का उद्भव और अस्तित्व पार्वती तुम्हारे ही अंश से हुआ है। पार्वती, पार्वती, तुम भगवान शंकर की प्रिया हो। पार्वती, तुम गणेश की माता हो, कार्तिक तुम्हारे पुत्र हैं, कार्तिक तुम्हारे पुत्र हैं। हे पार्वती, हे पार्वती, नगाधिराज हिमालय, हे पार्वती, नगाधिराज हिमालय तुम्हारे पिता हैं। पार्वती, तुम संसार का कल्याण करो और इस धरती की रक्षा करो। पार्वती, तुम संसार की माता हो। हमारे देश में जो धार्मिक परंपरा है उसमें देवी पूजन की परंपरा बहुत प्राचीन काल से ही रही है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें भी मातृ देवी की पूजा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं, और भगवान शंकर की पूजा के साक्ष्य भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अवशेषों से सिद्ध होता है। पशुपति की मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा में, और इस तरह से आदिदेव कहा गया है शिव को। शिव त्रिशूलधारी हैं, डमरूधारी हैं,
उनके गले में सर्पों की माला है और वो अमृत पान हलाहल विष पान से उनके उनका गला जो है वो नीला पड़ गया है। शिव को त्रिनेत्र भी कहा गया है। शिव शत्रुओं का संहार करते हैं और उनकी पूजा आराधना से सभी प्राणियों के जीवन का कल्याण होता है। श्रोताओं दर्शकों, मैं आपको अब अपनी जो तीसरी कविता है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये जो कविता है, ये कविता गणेश वंदना है। भगवान गणेश की वंदना मैंने इस कविता में की है। हे गणेश, आप भगवान शंकर के पुत्र हैं। आपको संसार में सबसे बड़ा मातृभक्त भी कहा जाता है। सारे देशवासी आपको विघ्न विनाशक मानते हैं और अपने कार्यों की को शुरू करते हुए आपका ध्यान धरते हैं। हे शंकर, आप शंकर और पार्वती की गोद में बाल्य रूप में विराजते हैं और आपको देवताओं का राजा भी कहा गया है। हे शंकर, आप हर घर में वास करते हैं और आपकी आराधना से तमाम विघ्न बाधाओं का समन हो जाता है और जीवन कल्याण के पथ पर अग्रसर होता है। हे शंकर, आप सबका कल्याण करें। आपका ध्यान ऋषि मुनि सदियों से धरते रहे हैं और मोक्ष पाते रहे हैं। हे गणेश, आप हर घर के दरवाजे पर विराजमान रहते हैं। आप मंगल मूर्ति भी हैं। श्रोताओं दर्शकों, आशा है मेरी कविता जो गणेश भगवान गणेश के बारे में है ये आप सबको पसंद आई होगी। और मैं अब अपनी तीसरी कविता जो आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कविता जो है ये मेरी कुछ ऐसी मतलब कविताओं में से इस कविता को रखा जा सकता है जिसमें साहित्यिक संदर्भों में संसार और जीवन की जो बातें हैं वो इनमें विषय वस्तु के रूप में प्रकट हुई हैं, अभिव्यक्त हुई हैं। और इस क्रम में मैं आपको सबसे पहली कविता जो सुना रहा हूं वो कविता है बारिश का मौसम। जंगल ही अब कहां बचे, जंगल ही अब कहां बचे, किस पेड़ को कोई कैसे जाने पहचाने। अपनी राह को पाने, हम अपनी राह को पाने, हंसते रहते चलते, पांव में पड़ जाते छाले, पांव में पड़ जाते छाले। जंगल ही अब कहां बचे, कोई राह में कैसे खुद को जाने पहचाने। जंगल ही अब कहां बचे, कैसे कोई एक दूसरे को जाने पहचाने। हम आज चले बारिश के मौसम में, जंगल को खेतों खलिहानों में, मैदानों में आज उगाने। यहां सुनाई देते शहर में बजते सुंदर गाने,
शहर में बजते सुंदर गाने, सबके मन के मीठे खूब तराने, सबके मन के मीठे खूब तराने गूंज रहे हैं सबके घर में, मीठे गाने बहुत पुराने, जंगल ही अब कहां बचे इस बारिश में, कोई उनको कैसे जाने पहचाने। अपने मन को बहुत सहेजा तुमने, अपने मन को बहुत सहेजा तुमने, यह मधुमास बीतता फिर आया है, यह मधुमास बीतता फिर आया है, धूप यहां पर छाई है, धूप यहां पर छाई है, सबने पाया बारिश में फिर यौवन, सबने पाया बारिश में फिर अपना यौवन, बचपन की सारी बातों को तुम कैसे भूल गए, बचपन की सारी बातों को तुम कैसे भूल गए, अपने मन की बाहों में बाग बगीचों, उजड़े बाग बगीचों को समेटकर बारिश का यह मौसम आया है, बारिश का यह मौसम आया है, अर्धरात्रि में रिमझिम बारिश में बादल गीत सुनाता है, अर्धरात्रि में रिमझिम बारिश में बादल गीत सुनाता है, कोई जो चुप चुप सोया है हैला है आज यहाँ गहन अंधेरा, हैला है आज यहाँ गहन अंधेरा, इस उजड़े जंगल में हम कितने खुश होकर रहते, बाग बगीचों के बाहर हम अपने गली मोहल्लों में, दूर शहर में गांवों के बाहर बसते, सदा विचरते रहते तुम्हें निहारते, सदा विचरते रहते तुम्हें निहारते, सूरज ने हंसकर धरती को देखा, सूरज ने हंसकर तब धरती को देखा, जंगल ही अब कहां बचे, कोई इसको कैसे जाने पहचाने, कोई इसको कैसे जाने पहचाने, कोई इसको कैसे जाने पहचाने, कोई इसको कैसे जाने पहचाने। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और मैं आपको एक और कविता चाहता हूं सुनाना। इस कविता का शीर्षक है अभिसार। अभिसार। यह रात उनीदी होकर सिमट गई उन ख्यालों में, सपनों के मोती चुगते मन के हंस विचरते, उसी सुबह की अरी सांवरी नदी किनारे चुप होकर कोई राह भटकती, जंगल से चांद निकलकर क्या गलियों में आया है, यह किस काले पहाड़ का
पिछवाड़ा है, बहुत दूर तक यहाँ अंधेरा फैला है। यह रात नींदी होकर बारिश में सिमट गई, सुबह के ख्यालों में सपनों के मोती चुगते, मन के हंस विचरते। झरनों का शोर यहाँ कभी पर, झरनों का शोर यहाँ से बहुत दूर पर देता है कहीं सुनाई। उनकी बहती धारा में यह मन पागल होकर ठहर गया है। सपनों के आंगन में किस तालाब में आज सुबह में आया है सुंदर उजला हाथी। यह रात उन्हीं दी होकर सिमट गई है, सावन के मौसम में बेखौफ घूमता रिमझिम बारिश में। सावन के मौसम में बेखौफ घूमता कोई इस रिमझिम बारिश में। तुमको हंसकर कोई कहता, तुमको हंसकर कोई कहता, तुमको हंसकर कोई कहता, वसंत का वही मादक आज पहर फिर आया। वसंत का वही मादक आज पहर फिर आया, अर्धरात्रि में जीवन की जय का गीत गूंजता रहता रिमझिम बारिश में। किसने गाया तारों को उसने अपने पास बुलाया, चांदनी उत्ताल तरंगों पर बलखाती सोई है। तुमने अपना समय कहाँ आकर यहाँ व्यर्थ गंवाया, या कुछ तुमने पाया। वह मुस्काती है, सुबह हुई है देखो, यह रात उन्हीं दी होकर सिमट रही है, सुबह हिलोरे लेती लहरें, सागर में उठती हैं। बहुत दूर पर कोई आया है, बहुत दूर से उसी जहाज पर चढ़कर, यह रात उन्हीं दी होकर सिमट गई है सपनों के आंगन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कविताएं अगर कवि की अच्छी लगती हैं दर्शकों को और श्रोताओं को, तो कवि को उससे खुशी होती है, तसल्ली मिलती है, और वो और भी अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने में वो सजग हो जाता है और समर्पित भाव से वो कविताएं सुनाता है। कविता को भी कला में रखा गया है और कविता प्राचीन कला है, और अच्छी कविताएं जो हैं उनमें श्रोताओं को के मन को बांधने की क्षमता होनी चाहिए, श्रोताओं के मन को भाव विभोर करने का गुण होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप सब इन मापदंडों पर मेरी कविता को अगर बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली अगर नहीं भी मान रहे होंगे, तब भी आपकी सान्निध्यता की अपेक्षा मैं करता हूँ। साहित्य की दुनिया में साहित्यकार की सबसे बड़ी कामना होती है कि उसे लेखकों, पाठकों, समालोचकों, विद्वानों, कलाकारों
की सानिध्यता प्राप्त हो और हमारा देश समृद्ध साहित्यिक परंपरा का देश है। यहाँ कालिदास और जयशंकर प्रसाद, विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सब कवियों का आविर्भाव हुआ है। हमारे देश में और भी भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल भाषा में महाकवि कम्बन ने रामायण की रचना की और देश की अन्य भाषाओं में भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो साहित्य लिखा गया, जो काव्य रचा गया, उसने देश के लोगों को नवजीवन की प्रेरणा प्रदान की है। और प्रेम और श्रृंगार भी भारतीय काव्य परंपरा के प्रमुख पक्ष रहे हैं। और आज सावन के इस मौसम में आप सबको अपनी कुछ प्रणय परक कविताओं को सुनाते हुए मुझे असीम सुख की प्राप्ति हो रही है। नदी का किनारा, अगली कविता जो मैं सुना रहा हूं आप लोगों को, इस कविता का शीर्षक है नदी का किनारा। बीत गया वह समय बहुत पुराना, किसको कल हमने अपने घर के बाहर देखा। बहुत गौर से उसे निहारा, पहचान नहीं पाया। नदी का याद आता वही किनारा, बाग बगीचों से जो भरा हुआ था। आज उजर कर बारिश के इस मौसम में यहाँ थोड़ी सी हरियाली छाई है। अब फूल कहाँ पर खिलते, बहुत दूर पर बचे हुए हैं। उजड़े बाग बगीचे सुने मन की व्यथा सुनाते। रिमझिम बारिश में सिसकते पेड़ों की डालियों पर, बारिश का मौसम चुप है। धूप में कोई अपना आया है, ये सारे पेड़ पुराने। चांदनी रात में याद बहुत आते हैं, जो सारे पेड़ पुराने उनकी फैली छाया में। झिलमिल चांदनी आज कहाँ खोई है। हम सदा किसी के साथ यहाँ पर रहते, अपने मन की बात उसी को कहते। सामने सूरज हंसता यहाँ सुहाना, सामने तुमने मुझे सुनाया कोई भूला बिसरा गाना। आज रात ने खुद को आकाश के दामन में आकर रूप संवारा। देर तलक तक जंगल में बहती है टूटी हारी उसी नदी की धारा। रंग बिरंगे फूलों से वन बाग महकते, शीत ऋतु में धुंध चतुर्दिक छाई। आधी रात में सपनों में डूब गया मन। प्रणय के इसी पहर में आकर चांद भी हंसता, प्रणय के इसी पहर में आकर चांद विहस्ता। बादल की ओट में
बहुत दूर पर अंधियारा फैला है, प्रेम से सुरभित हर सिंगार महकते। फूल टपकते उजले उजले फूल टपकते रहते। बाग बारिश से हर्षित हो गया, अब उजरे बाग का माली, पूरब में छाई आज सुबह में लाली। बारिश में हर्षित हो गया, अब उजड़े बाग का माली, पूरब में छाई सूरज की सुंदर आज सुबह में लाली। पूरब में छाई सुंदर आज सुबह की लाली। दोस्तों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। कार्यक्रम को हम अब चाहते हैं कि हम धीरे धीरे इसको समेट कर और कुछ एक दो कविताओं को और सुनाकर आपसे अनुमति लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी कविताएं आपको पसंद आई होंगी। और देर शाम तक, अगली कविता जो मैं सुना रहा हूं, इस कविता का शीर्षक है देर शाम तक। पानी के मीठे सोते सी ग्रीष्म काल में टूटी हारी थकी टहनिया, हरी भरी अब आज दिखाई देती, उसको संबल देता। हरे भरे हरा भरा यह दूर तक फैला है जो मैदान, यहाँ यहाँ हवा आकर झूम रही है। दोपहरी में चिड़िया कहाँ गई है, बहुत दूर वह नदी पार, जंगल में सबको शायद देख रही है। उसी नदी की धारा बहती रहती देर शाम तक, बादल आएगा देर शाम तक, बादल आएगा किसी दूर देश का, किसी दूर देश का। कोई अपना राही गुजर रहा है इसी नदी के पास, खरा जो रहता उसका ओझल चेहरा सबको भाता है। आधी रात में खुशियों का गीत चांद सबके पास आकर आज सुनाता है। उसी नींद में तुमने आज लुटाया सावन की बूंदा बांदी में, धरती थिरक रही है हवा घाट पर भी, चल भीगी भीगी भीगे आंचल को आज समेट कर खड़ी हुई है। पानी भरती पनिहारन गहरी नदिया की धारा, सबको उसने अपने पास पुकारा। सुबह में गूंजता है गीत मन का, सुंदर भाव हमारा खूब चमकता है मन का तारा। झमझम झमाझम बारिश में सागर शंख बजाता, झम झमा झम बारिश में सागर शंख बजाता, बादल बादल बारिश लेकर आया। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपको अपनी प्रकृति विषय कुछ कविताएं सुनाने का मौका मिला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कार्यक्रम के शुरू में मैंने भगवान शंकर, पार्वती और गणेश जी की स्तुति में भी कुछ कविताएं हमने जो लिखी थी तो उनको मैंने आपको सुनाया है। और मैं फिर एक बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बारिश के मौसम में सभी लोग पेड़ पौधों को लगाएं, हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं, छायादार पेड़, तो अपने खेतों खलिहानों में पड़ती जमीन पर लोग
उन पेड़ों को लगाएं ताकि धरती को स्वच्छ ऑक्सीजन उनसे प्राप्त हो और धरती पर का जो जीवन है वो फिर मजबूत बने, हमारा पर्यावरण स्वस्थ और संतुलित बने, क्योंकि धरती का पर्यावरण रोज उजड़ता चला जा रहा है और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो वर्षा ऋतु में वृक्ष महोत्सव, हम सभी वृक्ष महोत्सव में शामिल हों और हमारे देश का जो सुंदर राज्य है उत्तराखंड, उसी तरह से हिमाचल भी हमारे देश का बहुत ही सुंदर प्रांत है, देश के सारे राज्य जो हैं सुंदर हैं, तो हर एक राज्य में सभी राज्यों में वृक्ष जो हैं नए सिरे से लगाए जाएं, वनरोपण का कार्यक्रम शुरू हो। वर्षा ऋतु हमसे ये आशा करती है क्योंकि वर्षा ऋतु में बारिश का संबल पाकर पेड़ जो है वो लहलहा उठते हैं और फिर जाड़े के मौसम में जब बारिश खत्म हो जाती है लेकिन धरती में नमी बनी रहती है तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ लेती हैं और फिर ग्रीष्म के मौसम में भी ये पेड़ कठिन ताप का सामना करते हैं। तो वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के कार्य में हम शामिल हों, संलग्न हों और धरती को हम लोग खुशहाल बनाएं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहता हूं, हमें अनुमति प्रदान करें, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। मैं राजीव कुमार झा आप सबसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद।